हम सब जितनी YouTube फैमिली है मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, कि यार हम अपने बच्चों का कुछ अच्छा कुछ मुस्तकबिल बना सकें, कुछ अच्छा है। क्योंकि मज़दूर जो दिहाड़ी वाले हैं, जो तनख्वाह वाले हैं, इतनी तनख्वाह में, महंगाई इतनी है कि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। 30-35 हज़ार में क्या गुजारा होता है? बंदा मकान का किराया भरे, बिजली का बिल भरे, जब राशन ले, जब बच्चों के कपड़े ले, जब बच्चों को पढ़ाए लिखाए, क्या करे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आज आपको पता है कि मैं हॉस्पिटल में दाखिल था, बीमार था और अभी भी हूँ। अभी भी कोर्स चल रहा है मेरा, 3 महीने का कोर्स है और हर हफ्ते जाके डॉक्टर को चेक भी कराना है। ये सब आप बहन भाइयों की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने सही सलामत बैठा हूँ। अल्लाह पाक सबको सही सलामत रखे और अपनी हिफ्ज अमान में रखे। और आज मेरा ड्यूटी पे भी आना है, तीसरा दिन है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर बार भी चलाना है। और आज तीसरे दिन है ड्यूटी पर आया हूँ और अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने काम पर। तो अभी मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ अपने साथियों का। मेरे साथी आने वाले हैं तो इंशाल्लाह जैसे ही साथी आते हैं तो फिर अपने काम की रूटीन स्टार्ट होगी, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बाकी जितने बहन भाई हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बीमार होने के बावजूद भी मैं वीडियो 3-4 दिन के बाद डालता हूँ, फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि मेरे सब जितनी यूट्यूब फैमिली है, बहन भाई हैं, सब ने दुआओं में याद रखा और सबकी दुआएँ रंग ले आईं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, अब मैं इस तरफ पहुंचा हूं। मैंने कहा अपने पौधों वौधों का, इनका भी हाल देखूं कि क्या हाल है। ये अनार का पौधा, ये थोड़ा सूख रहा है, आज इसका भी कुछ करते हैं। आगे अनार के कड़ी पत्ते के पौधे लगाए हुए थे और ये देखें, ये अंदर ये कड़ी पत्ता लगाया था, माशाल्लाह से ये भी लगा हुआ है। अच्छे हो गए माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन हो गए। और ये अनार का पौधा जो है ना, अनार का ये थोड़ा सा मुरझा गया है, आज इनको ये माशाल्लाह से फल लगना भी शुरू हो गए। ये देखें अनार के फूल लगे हुए हैं, अनार के फूल जो है ना लग गए हैं और माशाल्लाह नेक कुदरत। और एक अनार ये रहा, 2-4-5 लगाए थे लेकिन इसमें से 2 हो गए हैं, बाकी जो है ना वो मैं ना होने की वजह से ना वो चल बसे, मतलब ख़त्म हो गए। ये आम का पौधा लगाया हुआ है माशाल्लाह से, ये भी लगाया हुआ था। और यहाँ कड़ी पत्ता तो ज़्यादा ही है माशाल्लाह से, ज़रूरत पड़ती है, यहाँ सब के काम आता है कड़ी पत्ता। ये देख कड़ी पत्ता ही कड़ी, जामन का भी लगाया हुआ है और साथ में कड़ी पत्ता, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, अच्छा ग्रो कर गया है। चलते हैं दूसरी तरफ भी देखते हैं। अच्छा जी, आपने उस तरफ देखा कि मैंने जो अनार के पौधे लगाए हैं और कड़ी पत्ता लगाया है, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त हो रहे हैं। और मैं नहीं था जब तक, 1 महीना मैं छुट्टी पे था, हॉस्पिटल में दाखिल था। पीछे मेरे साथी हैं, भाई भी बना हुआ है, दोस्त भी अली अनवर, वो बेचारा मेहनत करता रहा है, बस उसको जैसे भी आता था मेहनत करता रहा है और पौधों की देखभाल पानी वानी लगाता रहा है। और बहुत अच्छा मेहनती लड़का है, अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और यह है कि अब मैं पहुँच चुका हूँ, ऐसे ऐसे डॉक्टर ने यही कहा था कि भाई वज़नी काम ज़्यादा करना नहीं। और ऐसे ऐसे वो भी लगा हुआ है मेरे साथ और मैं भी ऐसे ऐसे, मैंने कहा जितना मेरे से होगा मैं उतना काम करता रहूँगा। और मेरे हमारे जो स्टाफ हैं, जो मैनेजमेंट है, हमारे अफसर हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ताउन करते हैं, बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि जी आपसे जितना हो सकता है आप उतना करें, ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत डालें। तो मैंने कहा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का ताउन का, कि इतना ताउन किया कि थोड़ा रेस्ट करके और अपना सुकून से और रिलैक्स होकर काम करो। तो इंशाल्लाह अभी कोशिश मैं पूरी करूंगा। मैंने बच्चों से दिखाया कि भैया आप लोग वीडियो बनाया करो, बच्चे थोड़ा सा तालीम में अपने पढ़ाई में भी लगे हुए हैं, टाइम कम मिलता है और सुबह जाते हैं 7-8 बजे जाते हैं, तो फिर 2 बजे स्कूल से आते हैं, तो फिर थके हुए खाना वाना खाया, फिर स्कूल का काम, तो उनको भी टाइम, मैंने कहा थोड़ा बहुत टाइम निकालो और भाई वीडियो बनाया करो। तो वीडियो बनाएँगे तो कोई सिलसिला हमारा आगे चलेगा और कोई इनकम का भी कोई आसरा होगा। अगर इसी तरह हाथ के हाथ इतनी मेहनत की है, 2 साल हो गए हैं चैनल पे मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग मेहनत करो और अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए, इसमें सबको कामयाबी अता फरमाए। हम सब जितनी YouTube फैमिली है मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, कि यार हम अपने बच्चों का कुछ अच्छा
कुछ मुस्तकबिल बना सकें, कुछ अच्छा, क्योंकि मज़दूर जो दिहाड़ी वाले हैं, जो तनख्वाह वाले हैं, इतनी तनख्वाह में महंगाई इतनी है कि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। 30-35 हज़ार में क्या गुजारा होता है, बंदा मकान का किराया भरे, बिजली का बिल भरे, जब राशन ले, जब बच्चों के कपड़े ले, जब बच्चों को पढ़ाए लिखाए, क्या करे। बहरहाल पूरा करने वाली अल्लाह की ज़ात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो रहीम व गफूर है, वो सबका पूरा करता है, और पूरा करने वाला इंसान के बस की बात नहीं है, बस पूरा करने वाली वही ज़ात है, परवरदिगार है। अच्छा जी, ये हैं हमारे अली भाई जो मेरे पीछे ये काम करते रहे, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत सपोर्ट की है। अली भाई, आपको कोई परेशानी, कोई मसला तो नहीं हुआ? भाई मुझे कोई परेशानी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मैंने पौधों को देखभाल की है, मुझे इनकी दुआएं मिली हैं। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्त फरमाए। जी ये अली हैं, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, बहुत सपोर्ट की है इन्होंने, और अल्लाह पाक इनको बस सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता दे। आमीन। और बहुत मेहनती है माशाल्लाह से, बहुत मेहनती है, सारे मेहनती तो सब हैं, बहरहाल ये है कि अगर उस नज़र से देखा जाए तो सब मेहनती हैं, तो अल्लाह पाक इनको भी सेहत दे। इन्होंने बहुत दुआएं भी की और मुझे सपोर्ट भी की इन लोगों ने। अल्लाह पाक ये हैं जो मेरे पीछे जो मेरे इन पौधों को और मेरे काम को संभालते रहे, अभी भी मेरे साथ ही हैं जब तक तबीयत। अल्लाह, हम तो एक दरिया बन के आ गए थे इब्राहिम भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संभालने वाली अल्लाह की दात, अल्लाह पाक वसीला बनाता है बस। बेशक बेशक। तो बस ये कि अभी भी 3 महीने तक, 4 महीने तक, जब तक मेरी तबीयत सेट नहीं होती, ये मेरे साथ ही हैं। अल्लाह पाक बस इनको भी हिम्मत दे, और बहुत मेहनती है माशाल्लाह से।